आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी, यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।